देश व प्रदेश में आरटीआई के दम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे करने वाले पीपी कपूर ने एक बार फिर किया बड़ा खुलासा। हरियाणा सरकार के प्रदेश को आवारा पशुओं से मुक्त कराने का अभियान विफल दिखाई दे रहा। कपूर ने कहा सरकार ने 2 डीएसपी, 18 इंस्पेक्टरों सहित कुल 332 पुलिस कर्मी गौ सुरक्षा दस्ते में कार्यस्थ कर रखे, फिर भी गौ माता व उसके बछड़े सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं। कहा बीजेपी सरकार के राज में गौ सेवा आयोग का बजट 5 वर्षों में 45 लाख से बढ़कर 30 करोड़ होने के बाद भी गौ माता भटकने को मजबूर। आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो है जो आवारा पशु हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, गंदगी कर रहे हैं, जिससे प्रदेशवासी जूझ रहे हैं, किसानों की फसलें खराब कर रहे हैं, ये आवारा पशु गाय बैल, वो जो है हरियाणा वासियों को उससे निजात मिलने वाली नहीं है। गौ सेवा आयोग जो हरियाणा सरकार ने गठित कर रखा है, उसका बजट पिछले पांच सालों में 45 लाख से 30 करोड़ रुपए हो चुका है, ये आरटीआई में हमें सूचना मिली है। लेकिन ये जो आवारा पशुओं से जो है इस दौरान कोई निजात नहीं मिली, बल्कि समस्या और बढ़ गई है। इसी के साथ आरटीआई में ये भी सूचना मिली है कि हरियाणा पुलिस ने 2 डीएसपी, 18 पुलिस इंस्पेक्टर सहित कुल करीब 332 पुलिस कर्मचारियों को पूरे हरियाणा में गौ सुरक्षा स्क्वाड के नाम पे लगा रखा है, और पूरे हरियाणा के अंदर जो है कुल 513 गौशालाएं हैं, जिनके अंदर 3,61,068 गौवंश जो है रखे हुए हैं। और जो ये आवारा पशु पकड़े गए हैं, हिसार के अंदर सबसे ज्यादा 15,496 आवारा पशु भी पकड़ने का सरकार ने दावा किया है। हरियाणा सरकार ने 2 दफा योजना बनाई पूरे हरियाणा को, दावे किए आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए। पिछले साल 15 अगस्त तक जो है आवारा पशुओं से मुक्त करना था, लेकिन साल बीत गया, कोई आवारा पशुओं से लोगों को निजात नहीं मिली, बल्कि समस्या बढ़ गई। फिर दोबारा जो है अब 26 जनवरी 2019 तक आवारा पशुओं से मुक्त करना था सरकार ने पूरे प्रदेश को, वो भी सरकार का दावा टाइटाई फिश हो गया, जो हमारे को ये आरटीआई से आंकड़े मिले हैं। हरियाणा के हर जिले के अंदर हरियाणा सरकार ने एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठा रखी है इन आवारा पशुओं की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं। अभी हमारे को जो है पंचकूला नगर निगम के जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई में बताया है कि भाई वहां पर ये आवारा पशुओं को पकड़ने का प्रोग्राम विफल हो गया है, क्योंकि कोई भी जो गौशालाएं हैं वहां पर वो आवारा पशुओं को स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, लेती नहीं है। और जो हरियाणा सरकार के जो आंकड़े हैं इन पशुओं के बारे में, वो भी बड़े विरोधाभासी हैं। जो गौ सेवा आयोग हरियाणा की जो कैथल के जिला कैथल के बारे में रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि जिला कैथल में करीब 20,152 जो है गौवंश गाय और बैल जो है गौशालाओं में रखे हुए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग ये बताते हैं कि वहां पर सिर्फ 6,362 जो है गाय और बैल रखे हुए हैं सारी गौशालाओं के अंदर जिला कैथल के अंदर, तो ये करीब 14,000 का बड़ा भारी अंतर है। इसी प्रकार जिला पानीपत के अंदर जो गौ सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 14,500 गौवंश गौशालाओं के अंदर रखे हुए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर जो पशुपालन विभाग के हैं पानीपत के, उनके अनुसार 17,000 पशु रखे हुए हैं, यानी कि करीब 3,000 का पशुओं का अंतर है। इसी तरह से जो है जिला फतेहाबाद के अंदर जो गौ सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 30,259 गाय बैल गौवंश रखे हुए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग फतेहाबाद की रिपोर्ट के अनुसार 21,500 गौवंश जिला फतेहाबाद के अंदर रखे हुए, यानी कि करीब 9,000 इन पशुओं का अंतर है। तो ये बड़ा भारी विरोधाभास है। इसी तरीके से इन आवारा पशुओं को पकड़ने पे भी बड़ा भारी खर्चा किया जा रहा है और उसका भी कोई जांच नहीं है। सोनीपत नगर निगम के जन सूचना अधिकारी ने हमें बताया है कि वहां पर 1,382 आवारा पशुओं को पकड़ा गया और हर पशु को पकड़ने पे 900 रुपए प्रति पशु के हिसाब से 12,43,800 रुपए खर्च किए गए, और इनको अपनी ही गौशालाओं के अंदर जो है नगर निगम ने रखा हुआ है, जिसपे 25 लाख रुपए हर महीने
25 लाख रुपए हर महीने का खर्चा जो है सोनीपत नगर निगम करने लग रहा है। इसी तरह से जो अवारा गुड़गांव के अंदर जो है हेली मंडी है नगर पालिका, वहां पर 205 पशुओं को, अवारा पशुओं को पकड़ा गया और 2100 रुपए प्रति पशु के इस पकड़ने के हिसाब से 4,30,500 रुपए की जो पेमेंट नगर पालिका हेली मंडी गुड़गांव ने करी। तो ये पूरी तरह से जो ये साबित हो गया है कि ये हरियाणा के जो है अवारा पशुओं से मुक्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के विभिन्न विभागों के अंदर कोई तालमेल नहीं है, कोई संवेदनहीनता बनी हुई है और आम जनता इन पशुओं के, आवारा पशुओं से के प्रकोप का पूरी तरह से भुगतने लग रही है और ये पूरी तरह से अब आरटीआई से ये खुलासा हो चुका है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।